नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सप्ताह की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ सलोनी। इस सप्ताह हम सप्ताह की तीन बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले दिनों बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे देश में वो खबर सुर्खियां बन गई, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे पर जमकर सियासी हमले करते हैं वो दिल्ली में एक साथ दिखाई दिए। दोनों के सुर तो एक थे क्योंकि मामला पिछड़े वर्गों की जनगणना से जुड़ा हुआ था। सियासत दोनों अलग अलग करते हैं, लेकिन पिछड़े वर्गों की जनगणना के मुद्दे पर दोनों एक साथ नजर आए, पीएम मोदी से मिलने भी गए। अब बीजेपी ये समझ नहीं पा रही है कि सहयोगियों को कैसे समझा जाए। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दोनों यात्राएं, सम्मेलन, रैलियां खूब हो रही है। चुनाव नजदीक होने के कारण हर पार्टी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। शह और मात का खेल चल रहा है। 22 की बाजी किसके हाथ लगेगी, इस पर तो अभी कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन जिस तरह से सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने रणनीति बनाई है, उसकी यूपी की सियासत में चर्चा खूब हो रही है। यूपी के गन्ना किसान भी आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। जब से योगी सरकार आई है, तब से गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा। जैसे ही प्रियंका गांधी ने गन्ने के दामों को लेकर ट्वीट किया, उसके बाद तो मानो यूपी में गन्ना किसानों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई। तो आइए विस्तार से देखते हैं सप्ताह की सुर्खियां। उत्तर प्रदेश में चुनाव के महज कुछ ही महीने बचे हैं। चुनाव में फतह हासिल करने के लिए हर दल अब मैदान में उतर चुका है। रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं भी शुरू हो गई हैं, सम्मेलन भी हो रहे हैं और इन सबसे अलग यूपी में राजनीतिक यात्राएं भी चल रही हैं। चुनाव के पहले रैलियां, जनसभाएं, सम्मेलन और यात्राएं जनता पर काफी असर छोड़ती हैं। इसीलिए हर राजनीतिक दल अब पूरी तरह से काफी सक्रिय हो चुका है। बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा चलाई जा रही है, जिसके जरिए बीजेपी नेता जनता का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। लेकिन कई जगह आशीर्वाद के बजाय हमले भी हो जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं को जान अपनी बचाकर वहां से भागना पड़ रहा है। ये तक हालात बन गए। मुजफ्फरनगर में बीजेपी विधायक उमेश की गाड़ी पर हमला हो गया। हरदोई में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को कुछ कार्यकर्ताओं ने ही घेर लिया और आरोप लगाया कि यूपी में ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है। इसके अलावा मथुरा में बलदेव से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश को ग्रामीणों ने बेइज्जत कर दिया। बीजेपी नेता जहां जहां आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं, वहां से उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। कहीं कहीं पर तो जनता प्रसाद के साथ लौटा रही है। समाजवादी पार्टी और महान दल की तरफ से जन आक्रोश यात्रा भी शुरू हुई। कई दिनों तक यूपी के जिलों में यात्रा चली और 26 अगस्त को इटावा में महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य और राम गोपाल यादव की मौजूदगी में यात्रा का समापन हो गया। यात्रा इसके अलावा सपा मुखिया की तरफ से साइकिल यात्रा भी निकाली गई। जनता का खूब समर्थन भी मिला। कोरोना के कारण साइकिल यात्रा की गति फिलहाल धीमी पड़ गई है, लेकिन आगे और रफ्तार पकड़ेगी। सपा को लगता है कि 2012 की तरह ये यात्राएं करने से सफलता मिल सकती है। तो कांग्रेस भी यूपी में काफी सक्रिय हो गई है। जब से प्रियंका को यूपी की कमान मिली है, तब से यूपी में कांग्रेसी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। हर मुद्दे पर प्रियंका भी सरकार पर सवाल उठाने से अब चूकती नहीं है। कांग्रेस ने भी यूपी में बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान चलाया। जनता का खूब समर्थन भी मिला। खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आंदोलन की कमान संभाली। कांग्रेस को जनता के बीच में जो समर्थन मिला, उससे कांग्रेसी काफी उत्साहित है। दूसरी तरफ बीएसपी की बात करें तो बीएसपी की तरफ से भी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा है, जिसमें ब्राह्मणों को जोड़ने का दावा किया जा रहा है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में भ्रमण भी कर चुके हैं और बीएसपी की तरफ से सम्मेलन को काफी सफल बताया जा रहा है। अब बीएसपी दावा कर रही है कि 2007 की तरह फिर से ब्राह्मण समुदाय बीएसपी के साथ जुड़ रहा है और अपनी सरकार भी बनवाएगा। हालांकि सपा ने भी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए अपने ब्राह्मण नेताओं को मैदान में उतार रखा है। अब देखना यह है कि इन रैलियों और सम्मेलनों को यात्रा से किसको क्या हाथ लगता है।
बदल रहा यूपी का रंग। 22 में होगी चुनावी जंग, यात्राओं से बनाएंगे माहौल, राजनीतिक पार्टियों का मिशन 22। ये यूपी की चक्रव्यूह यात्रा है, ठीक वैसे ही जैसे महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह रचा गया था। यूपी के चुनाव को राजनीतिक दलों ने जीतने के लिए यात्राओं का चक्रव्यूह रच दिया है। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा, बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन, सपा का पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन, कांग्रेस का भाजपा का गद्दी छोड़ो नारा, महान दल और सपा की जन आक्रोश यात्रा और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी की जन क्रांति यात्रा बताती है कि इस बार यूपी का चुनाव एकदम अलग होगा। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी यात्राएं निकाल रही है तो बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है, आम आदमी पार्टी मटका फोड़ रही है तो कांग्रेस महासंपर्क अभियान चला रही है। सबकी नजर एक है कि यूपी की कुर्सी कैसे हासिल की जाए और 22 के चुनाव में फतह हासिल की जाए। लेकिन 2022 के चुनाव में यूपी की जनता किसके दावों पर ज्यादा भरोसा दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। यात्राओं के सफर में सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर हो रही है। यूं तो पूरे देश में भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, लेकिन इसका मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश रहा। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले ये भाजपा का अश्वमेघ यज्ञ है। भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा में अपने 7 दिग्गज मंत्रियों को जमीन पर उतारा और यूपी की 120 विधानसभा सीट तक अपनी बात मंत्रियों के जरिए जनता तक पहुंचाई। इन 7 मंत्रियों में से 6 मंत्री अलग अलग जातियों से आते हैं। इनके जरिए ब्राह्मण, कोरी, पासी, धनगर, लोधी और कुर्मी वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश भी की गई है। जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया और सैकड़ों गाड़ियों के साथ इस बांदा नगर में प्रवेश किया। सपा आक्रोश रैली निकाल रही है, इस पर क्या कहना है? वो विपक्ष हैं, जब उनके पास कहीं कुछ बचा नहीं है तो आक्रोश के अलावा वे निकाल ही क्या सकते हैं। येगु जी के नेतृत्व में तो कोई ऐसा काम नहीं है जो काम ना हुआ हो, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे वो किसानों के खाद्यान्न से बेचने का काम हो MSP के आधार पर, और चाहे महिलाओं की सुरक्षा का हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का हो, सबके ऊपर उन्होंने हमारे येगु जी ने काम किया है। इसलिए विपक्ष चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य दल हो, जब वो लोकसभा में ही जानबूझकर हंगामा कर रहे हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं, जिस बात को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बसपा ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को फिर से अपना कर अपने विरोधियों को पस्त करने की कोशिश में है। दलित समाज के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, भाई बेटी बहनों के साथ में जिस तरह से हाथरस में जलाने का काम हुआ, जिस तरीके से हर जगह हो रहा है, उसमें भी आप लोगों को खड़े होने की जरूरत है। भाईचारा बना के खड़े होने की जरूरत है। भाईचारा जिसे आप लोगों ने पहले बनाया था, उस तरीके से भाईचारा और मजबूत करते हुए आप खड़े हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक दूसरे के आप पूरक हैं। अपने सहयोगियों के साथ मिलकर प्रबुद्ध पिछड़ा और जनाक्रोश के जरिए माहौल बना रही है। इस लड़ाई में भाजपा गति छोड़ो जैसे नारों के साथ कांग्रेस भी भाजपा को सीधी चुनौती देने की कोशिश में है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कौन किसके चक्रव्यूह में फंसता है और कौन किसके चक्रव्यूह को भेद पाता है, क्योंकि बात तो तब बनेगी जब ये यात्राएं वोट में तब्दील होगी, क्योंकि जो वोट लाएगा वही जीतेगा यूपी का सिंहासन। रिपोर्ट भारत समाचार। पिछले दिनों से देश की राजनीति में एक मुद्दा काफी उछला हुआ है। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों से पिछड़ी जातियों से जुड़े एक बिल को पास करा लिया है। नए कानून के तहत अब राज्य सरकारों को अधिकार मिल गया है कि वो अब अपने प्रदेश की पिछड़ी जातियों की लिस्ट तैयार कर सकते हैं। मतलब कि केंद्र सरकार ने एक तरह से पिछड़ी जातियों के मुद्दे को पूरी तरह से राज्यों के पाले में डाल दिया है। लेकिन जिस तरह से पिछड़ी जाति के नेता केंद्र सरकार पर
जनगणना में पिछड़ी जातियों को गिनती करने का दबाव बना रहे हैं। उससे लगता है कि पिछड़ी जातियों का मुद्दा अभी शांत होने वाला नहीं है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार कुछ जातियों को ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर सकती है। बीते दिनों बिहार के 10 दलों के 11 बड़े नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की। बिहार में जो दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे की धुर विरोधी हैं, वो भी अब पिछड़ी जातियों की जनगणना के मुद्दे पर एक साथ हो गई। और जब दिल्ली में नीतीश के नेतृत्व में लालू के लाल यानी कि तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे तो तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया। अब हैरानी की तो बात है ही, मतलब कहने को तो बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड साथ साथ है और सरकार भी चला रहे हैं, लेकिन जब पिछड़ी जातियों की जनगणना का मुद्दा उठता है तो नीतीश और तेजस्वी साथ साथ हो गए। अब आप समझ सकते हैं कि पिछड़ी जातियों की जनगणना का मुद्दा कितना बड़ा है। केंद्र सरकार 2021 में होने वाली जनगणना में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की गणना करने की बात तो कह रही है, लेकिन पिछड़ी जातियों की जनगणना पर अभी एक राय नहीं बन पाई है और शायद इसीलिए कई पार्टियों के प्रमुख भी पीएम मोदी से मिलकर इस मामले पर केंद्र सरकार को स्थिति साफ करने की बात कह रहे हैं। दरअसल ये सारा खेल ओबीसी वोट बैंक को लेकर किया जा रहा है। अब बीजेपी ना तो खुलकर इसका साथ दे रही है और ना ही पूरी तरह से इसका विरोध कर पा रही है। ऐसा लगता है कि 90 के दशक वाली राजनीति एक बार फिर से अपना इतिहास दोहरा रही है, जब राजनीति लड़ाई मंडल वर्सेस कमंडल हो गई थी। अपर कास्ट वाली पार्टियों के नाम से जानी जाने वाली बीजेपी सत्ता में जरूर है, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसा संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि चुनाव के वक्त और ऐसे भी कई मौकों पर पीएम मोदी खुद को भी पिछड़ी जाति का ही बताते हैं। वो कहते हैं कि संविधान की वजह से एक पिछड़ी जाति के बेटे को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। पिछड़ी जातियों की जनगणना से जुड़े मुद्दे पर अब बीजेपी पूरी तरह से भंवर में फंसती जा रही है। बीजेपी ना तो खुलकर इसका समर्थन कर पा रही है और ना ही खुलकर विरोध कर पा रही है। पिछड़ी जातियों के जो नेता बीजेपी से जुड़े हैं वो दबाव बना रहे हैं कि एससी एसटी की तरह ओबीसी की जातियां भी गिनी जाएं, जिससे विकास की योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि 1931 में जाति आधारित जनगणना हो चुकी है, उसके बाद 2011 में भी जाति आधारित जनगणना हुई थी, लेकिन तब यूपीए सत्ता में थी और इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। अब एक बार फिर से 10 साल बाद देश में जनगणना होनी है और ओबीसी जातियों के नेता पिछड़ों की जातियां गिनने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बिहार में जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर सियासत गर्माने लगी। इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कुल 11 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जाति जनगणना जरूरी इसलिए है कि देश के सभी तबके के लोगों को आगे बढ़ाने का सही निर्णय लिया जा सकता है, किसकी कितनी संख्या है। आज जो आप देख रहे हैं रिजर्वेशन के लिए क्या संख्या है, तो सब तो 31 के टाइम का है, अब एक बार सबका हो जाएगा तो पता चलेगा। जातीय जनगणना को लेकर के जो हम लोगों की मांग रही है, आदरणीय लालू जी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। बिहार विधानसभा में भी हमने जो प्रस्ताव रखा था कि भाई जातीय जनगणना जब दो बारी जब पारित हो चुकी है तो इसको जो है सही मायने में उंगली जमा पहनाई जाए, तो इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्रधानमंत्री से भी अगर मिलना हो तो मिलने चला जाए। भारत में किस जात की आबादी कितनी है, इसको लेकर जातीय जनगणना की मांग काफी पहले से उठती रही। बिहार में बीजेपी को छोड़कर
सभी दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार समेत कई राज्यों के क्षेत्रीय नेता भी ये मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार पहले ही इससे इनकार कर चुकी है। हर जनगणना से पहले जाति जनगणना की मांग होती है, लेकिन आखिर इसकी जरूरत है क्या और केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से क्यों कतरा रही है? हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं। देश में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। 1914 से अब तक SC/ST की जनगणना होती रही है। SC/ST को छोड़कर जातियों की अलग से जनगणना नहीं होती। अभी तक जनगणना में सिर्फ धर्म के आंकड़े प्रकाशित होते थे। अगले साल 7 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए जाति आधारित जनगणना की इस चर्चा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब हम सबको सिलसिलेवार तरीके से भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सभी धर्मों की कुल संख्या बताते हैं। देश की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदू 96.62 करोड़ यानी 79.79% इनकी संख्या हुई। मुस्लिम 17.22 करोड़ यानी 14.22%। ईसाई 2.78 करोड़ यानी 2.29%। सिख 2.08 करोड़ यानी 1.72%। बौद्ध 84,42,000 यानी 0.69%। जैन 44,51,000 यानी 0.36%। जाति जनगणना की मांग काफी पहले से चली आ रही है, लेकिन विपक्ष अब एकजुट होकर जाति जनगणना की मांग कर रहा है और सरकार बार बार इसे नकार रही है। जाति जनगणना पर पक्ष विपक्ष का तर्क क्या है, जरा वो भी समझिए। जातीय जनगणना के पक्ष विपक्ष में तर्क, सर्वे के आधार पर मिल रहा योजनाओं का लाभ, पिछड़ेपन की तस्वीर होगी साफ, परिवार नियोजन के प्रयासों पर विपरीत असर, नीतियों और योजनाएं बनाने में मिलेगी मदद, देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है, SC/ST की होती है बाकियों की क्यों नहीं, देश की जनसंख्या और बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी विपक्ष जाति जनगणना की मांग को लेकर सरकार को घेर रहा है और बिना जाति जनगणना के आरक्षण की मौजूदा नीति के साथ सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। उन OBC की जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो कोई आधार तो होगा नहीं होगा कि रिजर्वेशन कैसे मिले और कितना मिले, उसके आधार पर तो दिया जाएगा। तो जातिगत जनसंख्या होना बहुत जरूरी है देश आगे के लिए। देश में जो भी प्रोग्राम बनाने हैं, जो भी नीतियाँ तय करनी है, किस जाति को क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए जरूरी है। इसीलिए तो डिमांड की जा रही है। मौजूदा समय में देश के बदले हुए हालातों और चुनावी मौसम को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने वोट बैंक के फायदे को देखते हुए जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिससे चुनाव के समय पार्टियों को उम्मीदवार उतारने में ज्यादा मंथन ना करना पड़े और जीत के उनके दावे पुख्ता हो जाए। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। कहते हैं किसान अगर धरना प्रदर्शन ना करे तो उसको उसकी फसल का उचित दाम भी ना मिले। शायद किसान को भी ये पता है, तभी तो बीते कई महीनों से किसान लगातार सड़कों पर बैठे हैं, दिल्ली को घेर लिया है, आक्रामक विरोध प्रदर्शन कर लिया, लेकिन किसानों की मांगे अभी तक नहीं मानी गई। कृषि कानून के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों को ये लगता है कि आज नहीं तो कल सरकार उनके आगे झुकेगी और उनकी मांगों को मान लेगी। शायद इसी उम्मीद से आज भी किसान सड़कों पर बैठा है। कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश के किसान धरना प्रदर्शन पहले से ही कर रहे हैं और अब इसी बीच यूपी के गन्ना किसान भी काफी आक्रोशित हो गए। योगी सरकार को 5 साल बीतने को हैं, लेकिन अभी तक गन्ने का समर्थन मूल्य एक बार भी नहीं बढ़ाया गया। सरकार गन्ने के बकाया भुगतान का तो ढिंढोरा पीटती है,
लेकिन किसान समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, उस पर सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही। अब गन्ना किसान बीते कई सालों से बकाया भुगतान और गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की तो मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से गन्ना किसानों का मुद्दा उठा दिया है। किसान फिर से आक्रोशित हो गए हैं, क्योंकि किसानों को भी पता है कि अब यूपी में विधानसभा का चुनाव है और अगर अभी सरकार ने उनकी बात ना मानी तो फिर आगे तो 5 साल उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। शुगर केन एक्ट के मुताबिक गन्ना किसानों को उनकी फसल का भुगतान 14 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक हजारों करोड़ रुपए किसानों का अभी भी बकाया है, जिसको लेकर किसान काफी दिनों से सरकार से बकाया भुगतान की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के गन्ना किसान मायावती सरकार और अखिलेश सरकार को याद करते हैं। वो क्यों? क्योंकि मायावती ने 2007 में जब सत्ता संभाली थी तो 5 सालों के अंदर ही गन्ने का समर्थन मूल्य 125 रुपए से बढ़ाकर 245 रुपए कर दिया था। अब आज से ये नया वाला फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, रोटियां बनाए एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट। जी करता है उसके हाथ चूम लूं। किसके? आटा जिसने बदला उसके। जब रोटियां सॉफ्ट तो दिल भी सॉफ्ट। सॉफ्ट रोटी का वादा, फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। अब काहे को दर दर भटकना, मर्तोलिया बिल्डर्स पूरा करेगा आपका सपना। न्यू मर्तोलिया आवासीय योजना के तहत अब सबके पास होगा घर अपना। आवासीय फ्री होल्ड बिठूर रोड नियर गुरु नानक गार्डन स्कूल।